गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप एक बार फिर से आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बागवानी पे हैं। तो आज का विषय है मोगरा प्लांट के रखरखाव, वो भी पतझड़ के समय। तो इस समय पतझड़ का मौसम चल रहा है, आगे पीछे सबके पत्ते झड़ रहे होंगे और पत्ते झड़ रहे हैं तो घबराए ना। आपको बताए गए टिप्स के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो सबसे पहले आप जैसे ये आप मेरा मोगरा का प्लांट देख रहे हैं, काफ़ी पुराना है और मैंने इसकी काफ़ी ज़्यादा छटाई कर दी है। और मैं एक बार तो डर गया था क्योंकि इसके पत्ते सूख के गिर रहे थे, जो इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका था। पर मैंने उसी समय लगभग ये 26 या 27 जनवरी तक इसकी सारी जो ब्रांचेस थे वो मैंने काट दिया था। तो चलिए आपको मैं इसके बारे में बता दूं। मोगरा का प्लांट को धूप बहुत पसंद है, तो इसे आप धूप में ही रखा करें। और अप्रैल में महीने में इसे दोपहर के समय कम से कम 4 घंटे 11, 12, 1 और 2 दो बजे तक आप इसे धूप से बचाए रखें तो ये काफ़ी खूबसूरत फूल देते हैं और काफ़ी ठोस पौधा है। और आप इसके एक पत्ते को देख रहे हैं जो काफ़ी पुराना है, बाकी तो सब झड़ चुके हैं। और मेरे को लगा कि ये ओवर फर्टिलाइज़र के कारण इसके पत्ते झड़ रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज था और मैंने इसकी कटिंग्स यहाँ से काट दी जैसा कि मुझे बताया गया। आप ये देख रहे हैं मैंने ये हाथ लगाया है, वहाँ मैंने कटिंग इसके काट दी, प्रूनिंग कर दी। और प्रूनिंग करने के बाद इसे मैंने पार्शियल शेड में रख दिया, जिसके तत्पश्चात 20 दिनों के बाद इसमें से नए नए शूटिंग्स निकलने लग गए, जो आप मेरे उंगलियों के यहाँ देख रहे हैं। ये देखिए, ये भी देखिए, ऊपर देखिए, हर जगह नए नए शूट्स, नए नए कली ले रही है। और मोगरा का प्लांट जो है उसको आपको फरवरी के महीने में कटिंग करनी चाहिए। कटिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि इसमें नए नए फूल वहीं से आते हैं जहाँ जहाँ कटिंग हुई है। और आप ऐसे ही करके इसकी कटिंग प्रूनिंग किया करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बटन को लाइक कीजिए, या आपको अच्छा ना लगा है तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहें और बोलते रहें भारत माता की जय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।